अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से बर्फीला तूफान आया जिससे 60% आबादी प्रभावित हुई। बर्फीले तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क, बफलो, लेक एरी और ओंटारियो क्षेत्र में देखने को मिली, जबकि बर्फीले तूफान की वजह से हादसों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के कई हिस्सों में अब भी लाखों परिवार भारी बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से लोग जहां तहां फंसे हैं। तूफान की शुरुआत के बाद से पूरे अमेरिका में 20,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। साउथ वेस्ट फ्लाइट्स कंपनी को 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 14,500 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा। सिर्फ 28 दिसंबर को कंपनी ने 2,500 से अधिक उड़ानें रद्द की थी। फिलहाल बफलो समेत कई शहरों के एयरपोर्ट्स बंद हैं। अटलांटा, शिकागो, डेनवर और डेट्रॉइट के एयरपोर्ट्स पर बुरा हाल है। न्यूयॉर्क के बफलो में सैकड़ों कारें बर्फ में दबी दिखी। कुछ जगहों पर बर्फ से ढकी इन कारों से शव भी बरामद किए गए, जबकि बर्फीले तूफान की चपेट में आए दूर दराज इलाकों के घरों में भी लोगों की मौत का पता चला, जिसके बाद रेस्क्यू टीम बफलो में सड़क से लेकर मैदान तक फैले इस बर्फ को हटाने के काम में जुट गई। ये बफलो का वो इलाका है जहां का संपर्क बर्फीले तूफान के बाद शहर से टूट गया था। यहां के घर अब भी बर्फ से ढके हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी बरगद के पेड़ की जड़ों ने इन घरों को जकड़ रखा हो। घर से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं बचा है क्योंकि हर तरफ कई इंच मोटी बर्फ जमी हुई दिख रही है। सड़कों और गलियों का नामो निशान मिट गया है। घर और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी दिख रही है। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में डूबी नजर आ रही हैं। कुछ जगहों पर इन गाड़ियों से शव भी बरामद किए गए। बर्फीले तूफान के बाद अमेरिका के बफलो शहर में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक, घरों की छत से लेकर मैदान तक अब भी बर्फ से ढके दिख रहे हैं, जिसके बाद बफलो शहर में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बुलडोजर को काम पर लगाया गया। क्रिसमस के दिन यहां करीब 140 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी, जिसके बाद शहर में जगह जगह बर्फ के छोटे मोटे पहाड़ दिख रहे हैं। कम से कम 75 बुलडोजर सड़कों और बाजार से बर्फ हटाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बर्फ को डंपर में डालकर रिहायशी इलाकों से दूर ले जाया जा रहा है। शहर में अब तक ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पब्लिक प्लेस के साथ साथ हवाई अड्डों से भी बर्फ हटाई जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें बफलो नायग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाती दिखी। भारी बर्फबारी की वजह से अमेरिका के कई शहरों में हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। 23 और 24 दिसंबर को आए भयंकर बर्फीले तूफान के बाद न्यूयॉर्क के बफलो शहर में बर्फ से ढकी गाड़ियों को रेस्क्यू टीम निकालती दिखी। वहीं घरों के बाहर का रास्ता भी साफ किया जा रहा है, जहां कई फीट बर्फ जम गई थी। बफलो में नेशनल गार्ड के जवान लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बफलो शहर में जिन लोगों की गाड़ियां बर्फ में फंसी थी उन्हें निकाला गया। यहां नेशनल गार्ड के जवान सड़कों से बर्फ हटाने के काम करते भी दिखे। बफलो के मेयर ने बॉम्ब साइक्लोन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि शहर के लोगों ने पिछले 50 सालों में ऐसी तबाही मचाने वाला तूफान नहीं देखा। The loss of life during this winter storm is a very, very painful thing for all of us. We are heartbroken. सिर्फ बफलो शहर में बर्फीले तूफान की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के मिशिगन शहर की झील बर्फबारी के बाद सफेद मैदान में तब्दील हो गई। बर्फीले तूफान और तापमान में गिरावट के बाद झील में अजीबोगरीब कलाकृतियां भी बन गई। वहीं मिशिगन झील के ऊपर बर्फ के टुकड़े भी तैरते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने झील में सफेद झाग भर दिया हो। दूर दूर तक झील बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से ढकी दिख रही थी। वहीं झील किनारे बने लाइट हाउस और वहां तक पहुंचने वाले रास्ते भी बर्फ से ढके दिखे। झील से गुजर रही पाइपलाइन और उसके आसपास के पत्थर भी सफेद चादर में लिपटे नजर आए। पत्थरों पर बर्फ की वजह से अजीबोगरीब कलाकृतियां बनी दिखी। इस नजारे को देखने के लिए झील के किनारे काफी संख्या में लोग जुट रहे हैं। वहीं अमेरिका के विस्कॉन्सिन से ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां एक झील किनारे बना घर बर्फ के किले में तब्दील हो गया। घर के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी दिखी। ऐसा लग रहा था कि बर्फ से ही घर बनाया गया हो। घर के आसपास बैठने के लिए रखे गए सोफे और कुर्सियां भी बर्फ के ही लग रहे थे। मैदानों में बर्फ के टीलों का ढेर लगा था।
वहीं रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 309वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों पर मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक रूस ने आज 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसके बाद से यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का सायरन बज रहा है। बांग्लादेश को अपनी पहली मेट्रो ट्रेन मिल गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजधानी ढाका में पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। बांग्लादेश में ये मेट्रो सेवा जापान ने फंड की है। अमेरिका के नेवादा में एक पैसेंजर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान हुई कुछ गड़बड़ी के कारण हेलीकॉप्टर जमीन से काफी जोर से टकराया, जिसके चलते पायलट समेत 7 लोग घायल हो गए। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में अचानक उठे एक टोर्नेडो से भारी तबाही मच गई। टोर्नेडो के साथ चल रही तेज हवाओं की वजह से 5 घर पूरी तरह तबाह हो गए, वहीं कई घरों की दीवारों को नुकसान पहुंचा। दक्षिण कोरिया में एक हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत के बाद पूरे हाईवे पर आग लग गई। आग की लपटों ने अंडरपास की छत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में कड़ाके की ठंड के बीच बीएसएफ के जवान गश्त करते दिखाई दिए। ये जवान कश्मीर के गुरेज में भारत पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं, जो समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फीली हवाएं चल रही हैं। यहाँ सर्दी का आलम ये है कि कई बार तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठंड इतनी पड़ती है कि हड्डियां जम जाएं, लेकिन ये जवान इतनी ठंड में भी सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। जो आप रिज देख रहे हैं, जो पहाड़ियां है, वो रिज जो है वो उस तरफ नियंत्रण रेखा के पार पीओके है, और यहाँ पर कड़ी निगरानी रखते हुए जो है ये बीएसएफ के जवान हैं, जो इस वक्त इस पोस्ट से आगे की तरफ चल रहे हैं, जहां पर ये पेट्रोलिंग करेंगे। गुरेज सेक्टर की इस फॉरवर्ड पोस्ट के आसपास 5 से 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी में कई बार एवलांच का खतरा भी बढ़ जाता है, ऐसे में रेस्क्यू टीम भी गश्त पर रहती है। जब हमारे साथी किसी एवलांच में फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए इस टीम को हरकत में लाया जाता है। एवलांच में दबने पर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने या बर्फ में दबे किसी सैनिक को बचाने के लिए इन जवानों के पास डिजिटल डिवाइस भी होते हैं। ये हमें डायरेक्शन, डेप्थ और उसकी डिग्री बताता है। उसी को सहारा लेके जैसे ही हम विक्टिम के पास पहुंचते हैं तो ये बीप की आवाज करता है और सिग्नल इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी इन जवानों के लिए चुनौती कई गुना बढ़ा देती है। वैसे इतनी ऊंचाई और कई फीट जमी बर्फ के बीच सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन देश की सरहद पर तैनात ये सिपाही अपने देश और देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे गश्त करते रहते हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोहरे और बर्फबारी की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं। ऐसे में ये जवान देश के दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहते। इनके सामने चुनौती कड़ी है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा इन जवानों को रुकने नहीं देता। ठंड से बचाव के लिए जवानों को विंड प्रूफ स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। इसके अलावा आधुनिक उपकरण, घातक हथियारों से लैस पूरे लाभ लश्कर के साथ बीएसएफ के ये जवान एलओसी पर गश्त करते हैं। स्पेशली इस इलाके में जो नाले या नार्स जाते हैं वो काफी प्रोन होते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए, तो उनको हम बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, अपने एम्बुश लगाते हैं, नाके लगाते हैं, और लॉन्ग रेंज सर्विलेंस इक्विपमेंट से भी हम उन पे वॉच रखते हैं। इन इलाकों में बीएसएफ के जवानों की कई टीम बनाई गई हैं। एक टीम हर 6 घंटे के बाद गश्त करती है और यही प्रक्रिया रात दिन जारी रहती है। इस दौरान दूसरी टीम स्टैंड बाय पर रहती है, जो रेस्क्यू टीम है, यानी अगर कोई जवान बर्फ में दबता है तो तुरंत ये टीम एक्टिव हो जाती है। इस टीम के साथ एक ट्रेन डॉग भी रहता है, जो रास्ता दिखाने के साथ साथ तलाशी में भी मदद करता है।